गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरु तस्मय मा गुरुदेव नमः। जिस तरह से बात की जाए तो ये मंत्र जो है हम गुरुओं को सम्मानित करने के लिए उनका आदर भाव देने के लिए इन चार पंक्तियों को गाते हैं, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति भी उस ओर जुड़ती हुई देखने को मिलती है कि किस तरीके से अपने गुरु को दीक्षा देने के लिए एकलव ने अपने अंगूठे तक को दान कर दिया था। ये तमाम गाथाओं को तो हम सुनते आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए भारतीय संस्कृति में सनातन संस्कृति में जिस तरीके से गुरुकुल की महत्वता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ आपको यहाँ पर ध्वनि की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये ध्वनि जो है वो किसी मंदिर की नहीं है, ये एक गुरुकुल की मंदिर है आवाज़ है। तो आइए चलते हैं और आपको गुरुकुल के लोगों से मुलाकात करवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इसके साथ ही साथ लगातार जो ये मांगे उठ रही हैं कि गुरुकुल को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी संस्कृत भाषा किस तरीके से उसका जो महत्व है वो लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस गुरुकुल का नज़ारा। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं जिस तरीके से मंत्रों जाप हो रहा है, लगातार यहाँ पर ये बच्चे जो हैं गुरुकुल में मौजूद हैं और लगातार पाठशाला निरंतर चलती रहती है। आवाज आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही है, ये वो मंत्र है, वो सनातन की संस्कृति है जो कहीं ना कहीं आज लुप्त होते दिख रही है, लेकिन इसका विकास कितना जरूरी है जब ये बात हम यहाँ पर यहाँ के आचार्य जी से करेंगे, इन बच्चों से जानेंगे, तब पता चलेगा। तो आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार गुरुकुल के विकास को लेकर के चर्चा होती है कि गुरुकुल का विकास होना चाहिए। मैं जब आई तो जिस तरीके से उस संस्कृति को हमने देखा, सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म में दिए जाने वाले गुरुकुल में शिक्षा, ये आज के समय कितना जरूरी है। आज के समय भारत को पुनः अपने स्वर्णिम भारत में, स्वर्णिम भारत की तरफ अपने को अगर ले जाना है तो निश्चित रूप से गुरुकुल को बढ़ावा देना पड़ेगा। गुरुकुल को बढ़ावा देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से विदेशी कल्चर मयकाले पद्धति की शिक्षा हमारे यहाँ चल रही है, यह भी आवश्यक है, लेकिन अगर गुरुकुल पद्धति से और उस पद्धति को दोनों को जोड़कर भारत के लिए जो आवश्यक है अगर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो ये अति उत्तम होगी, जिस पर रामदेव जी भी कुछ काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने 1998 में इस पर बहुत बड़ा चिंतन करके उन्होंने काम किया और ज्योतिर्विज्ञान जैसे विषय को भी उन्होंने विश्वविद्यालय में शामिल कराया। काशी के लगातार शंकराचार्य जी, पुरी के शंकराचार्य जी, पुरी के वर्तमान शंकराचार्य जी के जो गुरु जी थे निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उन्होंने वैदिक गणित के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया। जो घटनाएं बहुत बड़े चीजों से नहीं समझी जा सकती है वैदिक सूत्रों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। वर्तमान में हमारी अयोध्या में करीब 35 महाविद्यालय और मध्यमा के विद्यालय हैं और इसके साथ स्वतंत्र प्राइवेट गुरुकुलों की भी संख्या करीब 15 है जहां पर स्वतः व्यवस्था से स्वित पोषी है। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से तमाम जो कार्य हैं वो लगातार चलते आ रहे हैं। देखिए मैंने जितना भी अभी तक भ्रमण किया है अयोध्या का या बाहर का भ्रमण किया है उसमें गुरुकुल को तो कवर करते ही हैं हम लोग, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा विषय यही है कि गुरुकुल अगर देखा जाए अयोध्या में जिस तरीके से आपने बताया 35 हैं, ये गुरुकुल में मिलने वाली दीक्षा शिक्षा वो कैसी होती है, पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अयोध्या में क्या अलग शिक्षा दीक्षा दी जाती है। गुरुकुल की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और गुरुकुल की शिक्षा लोग ये कहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा पाकर क्या कोई देश चलाएगा, गुरुकुल की शिक्षा पाकर क्या कंपनियां चलेगी, यह सब बात भी गलत है। अभी शासन तंत्र का इसके तरफ ध्यान नहीं है, किसी जमाने में अंग्रेजी पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ने के बाद भी कुछ काम नहीं होता था, फारसी पढ़ने वालों को सरकारी नौकरियां मिलती थी और जो फारसी पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पाता था तो कहा जाता था पढ़े फारसी बेचे तेल देख भाई विधना का खेल। तो ये शासन के द्वारा पोषित, शासन जिस भाषा को स्वीकार करेगी वही भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर भी संस्कृत को जिंदा रखा गया है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पूज्य संघ सरचालक सुदर्शन जी इस पर चिंतन किए और माननीय अशोक जी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने आंदोलनों के साथ शिक्षा के तरफ भी काम किया, गुरुकुल के तरफ भी काम किया और केशर भवन में
से प्रारंभ करके प्रयागराज से और आज देश के कई शहरों में कई तीर्थस्थलों पर उनका भी गुरुकुल चल रहा है। जिससे भी बात करेंगे और उसके साथ जो यहाँ पर बच्चे हैं, विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए, अयोध्या नगरी में है और अयोध्या नगरी में जो ये बात चल रही है कि 35 विद्यालय यहाँ पर संस्कृत विद्यालय जो चलते हैं, उसके साथ संस्कृत की क्या कुछ महत्वपूर्णता है, मुख्यता है, वो अभी आचार्य जी ने बताया। यहाँ पे बालक बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, पहले इनसे बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? अमरदास। अमरदास जी, क्या उम्र होगी तुम्हारी? 12 साल। 12 साल की है। तो यहाँ गुरुकुल में तुम्हारा क्या रूटीन रहता है, किस तरीके से तुम्हारी कार्यशाला रहती है? पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती, क्या समय रहता है, किस समय उठते हो, किस समय सोते हो, क्या नियम रहते हैं? 4 बजे उठ जाते हैं, अपना स्नान ध्यान करते हैं, मंदिर का सेवा करते हैं, फिर अपना तिलक करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मतलब सुबह 4 बजे उठ जाते हो, इतनी ठंड नहीं लगती? पर ज्यादा नहीं लगती। अच्छा, कोई श्लोक याद है, कुछ सुनाओगे हमें? जी बताओ। हरे ओम मा सहस्रा सी रेखा पुरुखा सहस्रा छा सहस्रा पात सबो मिगुं सर्वत स्पृतवा त्यतिष्ठद सांगोलम मा पुरुखा एवे दग्गु सर्वान् जदवोतन् दक्षवाव्यम् मा उतामृत सुशे सानो जदन्नेन तिरोहति एतावान् श्यमहिमा तोज्य यौषा पुरुखा पादो सेहा भवत् पुनः। पापा का नाम क्या है? श्री अरुण कुमार शुक्ला। तो देखिए, बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिल रहा है, ये भी यकीनन कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से भी आता है कि किस तरीके से आज जो बच्चा है वो फुल कॉन्फिडेंस में उस संस्कृत के श्लोकों को सुना रहा है। आगे बढ़ते हैं और बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रविदास। रविदास, तो रविदास जी, राम के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं और आपने अभी तक गुरुकुल में कितना कुछ जाना है? अभी तक हम गुरुकुल में राम के बारे में कुछ कहानी पढ़ी है। राम कौन है, क्या है, बताओ। हमारे राम भगवान जी अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार हैं। चलो ठीक है, बच्चा शर्मा रहा है, और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। बताओ, सतनाम प्रवक्ष्यामि सृष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंद घंटा महातप मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति सर्व मंत्र मही सत्या सत्यानंद स्वरूपणी अनता भावनी भाव्या 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 सदा गति। ठीक है, इसका अर्थ पता है? अभी नहीं पता इसका। तो देखिए, अभी बच्चे सीख रहे हैं और यकीनन आने वाले वक्त में बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि आचार्य जी हैं आप। ठीक है, ये बताइए कि लगातार आज के समय गुरुकुल की शिक्षा कितनी महत्व रखती है? बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ये संस्कृत में जो भी आते हैं वो संस्कार रहित, इसमें सभी बच्चे संस्कार से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे हम अभी बच्चों के श्लोक सुन रहे थे, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से एक तार में वो सारे श्लोकों का को बयां कर रहे थे, तो क्या वाकई ये श्लोकों की जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है? जी, हम लोग इनको कॉन्फिडेंस करते हैं कि धर्मम चर, मतलब धर्म के मार्ग पे आप चलिए। संस्कृत में जब ये लोग आज शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अपने सत्यम बात मतलब सही बोलिए, अपने माता पिता का आदर सम्मान करिए, कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो ये ऐसे ऐसे करके हम आगे इनको बढ़ाते हैं। और लोग हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग खड़े हो जाइए, आप तीनों लोग, जिससे मैं आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर सकूं और जान सकूं कि गुरुकुल को जो आज एक नए आयाम पर ले जाने की चर्चा हो रही है वो कितनी जरूरी है। कौन से आप लोगों की कक्षा है अभी यहाँ पे? जी, शास्त्रीय प्रथम वर्ष। शास्त्रीय प्रथम वर्ष, अच्छा, तो अभी और आगे कितनी होती है इसमें? इसके बाद शास्त्रीय द्वितीय वर्ष, आचार्य। फिर वो पीएचडी वाला भी आपके में होता है वो? जी बिल्कुल, शास्त्री द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उसके बाद आचार्य द्वितीय वर्ष, 2 साल का आचार्य होता है। इसके बाद आगे भी डिप्लोमा आता है, पीएचडी होती है, इससे भी सरकारी नौकरियां मिलती है, धर्म शिक्षक या जो भी टीचर होना इसमें भी होता है। अच्छा, तो सरकारी।